कल पूरी धरती का वर्ल्ड का ऐतिहासिक काम का निर्माण करने जा रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर का निर्माण का पूजा का कार्यक्रम है। हमारा पार्टी के सभी प्रमुख लोग, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सीनियर लीडर्स, सभी लोग आपको अभी बात करके मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूरी वर्ल्ड में, पूरी धरती पे बिना हिंसाचार का हिंदू मुस्लिम कहीं हुआ नहीं। शांति से जजमेंट हुए सो हिस्ट्री और श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। अभी कल का दिन जो निर्माण हो रहा है हमारा टेंपल, वो हिस्ट्री में ऐसा टेंपल इंडिया में कहीं है नहीं। हमारा हिंदू टेंपल सबसे बड़ा टेंपल है। अमन शांति से, खुशी से, कोई ये ऐसा सोचने का नहीं है। सभी धर्मों वाले मिलके, मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, एक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हिस्ट्री में निर्माण हो रहा है, एक खुशी का कल का दिन, 5 तारीख हमारे लिए सबके लिए खुशी का दिन है। कल अच्छा तरीके से शांति में, जो हमारे लोग बताए कि खुशी जैसा हम लोगों के पास यात्रा रहता है, जैसा हम लोगों के पास उत्सव रहता है, उस तरीके से इसको मनाना है। शांत रीति से हमारे पार्टी की तरफ से जो भी हमारे को डायरेक्शन आए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, हमारे नए अध्यक्ष, क्योंकि पार्टी उद्घाटन के बाद हमने आज ही आए, कोरोना आ गया, सबको सब तरफ प्रॉब्लम, कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस में है हम लोग। कल का दिन शांति में करो। सबको मेरे तरफ से, बसव कल्याण की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुशी का दिन कल मनाने जा रहे। धन्यवाद। समस्त भारतवर्ष में ऐतिहासिक निर्णय है जो कानून के माध्यम से जो हुआ है, समस्त भारतवर्ष उसको स्वागत करते हुए कल का जो 5 तारीख का भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी ओर से, हम समस्त हिंदू परिवार की ओर से हम निवेदन करते हैं और सभी से विनंती करते हैं, कल 12 बजे हमारे रविचंद्रन के लिए अन्ना जी के ओर से अमृत कुंड में अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में प्रसाद व्यवस्था होगा और प्रभु श्री राम जी का जो भावचित्र को पुष्प अर्चित करते हुए सभी को आज जो ऐतिहासिक दिन है समस्त विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए, उसके लिए हम सभी हमारे माजी MLA साहब, हमारे वरिष्ठ अनिल भूसारे जी, रविचंद्रन केरे अन्ना जी, समस्त जो व्यासपीठ पर विराजमान है, सभी लोगों से मैं निवेदन करते हैं, हम कल आकर सभी लोग जितना हो सके उतने उसमें भागी होगी, अपने अपने घर पर भगवा ध्वज का लगाइए और अपने आंगन में रंगोली जितना हो सके उतना, दीपावली का त्यौहार का वातावरण हम सब मिल के करना है। और हमने समस्त भारतवर्ष ने इसको स्वागत करके उसके अंदर कितना हो सके उतना भागीदारी का हम निवेदन करते हैं। मैं सभी से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और सभी को मैं, सभी पत्रकर्ता बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आकर हमें इस प्रोग्राम के लिए कवर करने के लिए। मैं सभी पर, मंच पर विराजमान सभी गण्यमान्य हमारे वरिष्ठ सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष होने के नाते सभी आकर इस प्रोग्राम को यशस्वी किया है और कल का दिन यशस्वी पूर्व है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम।